नामांकन दाखिल किया है। मैं समझता हूँ जो माहौल आज देखने को मिला ना सिर्फ मेरे क्षेत्र में लेकिन समूचे राजस्थान में आज कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बन खड़ा हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो 5 साल का यहाँ पर हम लोगों ने मेरे क्षेत्र में मैंने काम किया, विकास किया, लोगों का मन बनाया, उसके आधार पे पब्लिक का पूरा आशीर्वाद हमको मिलेगा और हमारी कोशिश रहेगी भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी से जीत कर जाए, ना सिर्फ मेरे विधानसभा क्षेत्र से लेकिन पूरे जिले और पूरे राजस्थान के अंदर। आप सब देख रहे हैं कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं वहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये 4 जो बड़े राज्य हैं यहाँ पर बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी का प्रचार हो रहा है। खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, राहुल जी सब कई मर्तबा राजस्थान में आ चुके हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पिछले 25-30 साल से हो रहा है, बार बार एक सरकार बनती है फिर दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है, इस बार लोग मन बना चुके हैं कि दोबारा कांग्रेसी सरकार यहाँ बनने का, वो इसलिए बनने जा रही है क्योंकि हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। भाजपा ने पिछले 4.5 साल में एक निष्क्रिय विपक्ष का काम किया और 5 साल तक जनता की जो आवाज़ बनने का काम करना चाहिए था विपक्ष, वो करने में बिल्कुल पूरी तरह नाकाम रही है। यही कारण है कि आज लोग भाजपा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। केंद्र की सरकार को लगभग 9.5 साल हो गए हैं और हमारे प्रदेश को कोई विकास पैकेज, कोई राहत, कोई बजटरी सपोर्ट, कोई योजना कुछ नहीं, सिर्फ घोषणा करके यहाँ प्रधानमंत्री जी आदि आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं। लेकिन चुनाव में आज लोग समझदार हो गए हैं। 10 साल की केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है और मैं ऐसा मानता हूँ कि कार्यकर्ता एकजुट से लग गए हैं, बहुमत के साथ हम लोग सरकार में आएंगे। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो हमारी पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी, हम सिर्फ 21 विधायक रह गए थे एक बार, तो दोबारा पुनर्वृत्ति ना हो इस दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं। और 18 में हम लोग बहुमत पे आए, 21 से 100 पर आए थे, आज हम सबका दायित्व बनता है कि हम पुनः दोबारा मिलकर काम करें और आज देश की ज़रूरत है कि कांग्रेस पार्टी की इन राज्यों में सरकार बने, इन राज्यों में हम कामयाब होंगे तभी 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारा इंडिया जो अलायंस है वो कामयाब हो सकेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पब्लिक हमारे साथ है, नौजवानों में बहुत जोश है, बहुत उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम लोग भाजपा कोई प्रचार कर ले लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी के बनने जा रही है, ऐसा मैं मानता हूं। सर, बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारा, आपको यहां पर एक घेरने की रणनीति ताकि आप बाहर नहीं निकल सकें, या क्या आपको लगता है ये कोशिश है? दूसरी पार्टी क्या करती है नहीं करती अपने बस की बात नहीं, हम तो पब्लिक के बीच में रहे, काम किया, उसका परिणाम 3 तारीख को मिल जाएगा। अब वो किसको उम्मीदवार बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, वो भाजपा की अंदरूनी राजनीति का मसला, हमारा मसला नहीं है। हम तो अपने मैनिफेस्टो के साथ हमने काम किया, परफॉर्म किया, लोगों ने काम को पसंद किया और जैसे मैं कह रहा हूँ कि 3-4 राज्यों में कांग्रेस की हवा बन गई है, बननी जानी बन गई है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तमाम जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। और हकीकत यह है, बीजेपी ने जो वादे किए, 3 किसान के कानून बनाने के खिलाफ बनाए, अग्निवीर जैसी योजना लेकर आए, अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, महंगाई आसमान छू रही है, नौजवान आज दर्जा भटक रहे हैं, तो तमाम चीज़ों को लोग देख रहे हैं। लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति करना, हमेशा मजहब की बात करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, ये उनका इकलौता पैसा रह गया है। डेवलपमेंट इश्यूज को साथ लेकर चलना और सही मायने में प्रगति हो, जो खाई आज बन गई अमीर गरीब की, वो चिंता का विषय है, लोग समझ रहे हैं। इसलिए ये जो अच्छे दिन के वादे किए गए थे, अब सब लोग उसका जवाब मांग रहे हैं और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ना सिर्फ राजस्थान में लेकिन बाकी राज्यों में भी सरकार कांग्रेस पार्टी में। विदुड़ी जी बोले कि टोंक में गुर्जर अल्पसंख्यक हो गए, विदुड़ी जी बोले टोंक में गुर्जर अल्पसंख्यक हो गए, ऐसा है। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनके स्टेटमेंट्स पर टिप्पणी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, और जो रिएक्शन देना है वो जनता देगी 25 तारीख को। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर सबको साथ लेकर चलें और जो माहौल सबको साथ लेकर चलने का बनाया है, मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ा एक जनता में एक मैसेज भी